भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर तिकोनिया पार्क में आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। आइए आपको भी दिखाते हैं। बता दें कि लगातार सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री बिक्रम सिंह की ओर से एक बार फिर से सुर्खियों में आने की पहल शुरू कर दी गई है। यह तस्वीरें जिला मुख्यालय के तिकोनिया पार्क की तस्वीरें हैं। यहां टेंट लगाकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री बिक्रम सिंह अपने करीब एक दर्जन से अधिक साथियों के साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिर्फ आमरण ही नहीं बल्कि जमकर नारेबाजी यहां की जा रही है। बता दें कि आम जनमानस की तमाम समस्याओं के निस्तारण और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बिक्रम सिंह का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बार उन्होंने अपनी 23 सूत्रीय मांगे रखी हैं, जिनको पूरा किए जाने को लेकर आमरण अनशन की शुरुआत की है। उन्होंने बताया है कि आमरण अनशन या तो उनकी समस्याओं का निस्तारण हो तब खत्म होगा या फिर उनकी अंतिम सांस तक लगातार जारी रहेगा। उन्होंने क्या कुछ बताया है यह जरा आप भी सुनिए। जी, मेरा नाम बिक्रम सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जिला मंत्री हूँ। यहाँ पर हम जो बैठे हैं उस सिस्टम के खिलाफ बैठे हैं, जिस सिस्टम के तहत हमारे ही पार्टी के लोगों को और कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। उन्हीं की ज़मीनों पर कब्जे हैं और ये जो अधिकारी हैं ये सारे सैफई से निर्देशित होकर हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। सारे लोग प्रताड़ित करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी आपका एक विवाद हुआ था जिसमें एसडीएम, सीओ और इंस्पेक्टर तीनों को जी हटाया गया था। पुलवामा शहीद की ज़मीन पर कब्जा था, दलितों की ज़मीन पर कब्जा था, ऐसे कई प्रकार के ज़मीन पर कब्जे थे। उनके संबंध में मैं एसडीएम साहब से, डीएम साहब से कई बार एक डेढ़ वर्षों से मिल रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर भी उनसे मिलने गया था। वहाँ पर उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनको भी लेटर दिया था। उन पर भी इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, यानी मुख्यमंत्री जी के आदेश को भी इन लोगों ने नहीं माना। जब नहीं माना तो हम लोगों ने 5 फरवरी को वहाँ पे धरना दिया था तहसील करेल में। वहाँ पर शाम को 7:30 बजे एसडीएम और पुलिस ने बाहर से गुंडे बुलवाकर लाइट बंद करके मुझे पिटवाया था और पीटने के बाद वहीं पर फर्जी मेडिकल कराया था जबरन और उसके बाद मुझे जेल भेज दिया था। उन लोगों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी शिकायत मैंने एसपी साहब को भी दी थी। तो आप यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं, 23 सूत्री मांगे हैं, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये अनशन कब तक जारी रहेगा? हम आमरण अनशन पर बैठे हैं, उम्मीद है हमें कि हमारी बात योगी जी तक पहुँचेगी और इन जो अवैध कब्जे धारक हैं, जो भूमाफिया हैं, इन पर कार्रवाई होगी और अनशन हमारा जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी या फिर आखिरी सांस तक अनशन चलता रहेगा।